हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज उदयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान योगी ने उदयपुर शहर विधानसभा प्रत्यक्ष गुलाबचंद कटारिया और ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। अपने तय समय से कार्यक्रम में करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे योगी आदित्यनाथ की स्पीच को सुनने के लिए लोगों में काफी क्रेज देखा गया। इस दौरान लोग योगी आदित्यनाथ की झलक पाने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ के फतेह स्कूल प्रांगण में पहुंचते ही योगी के जयकारों से पूरा ग्राउंड गूंज उठा। मंच पर पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने हाथ हिलाकर प्रांगण में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उदयपुर में पहुंचने पर प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने तलवार बैठकर योगी का स्वागत किया। इसके बाद योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में विकास तो नहीं कराया, लेकिन आतंकवाद और नक्सलवाद को जरूर फैलाया है। कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और बीजेपी के लोग आतंकवादियों को गोली मारते हैं। योगी ने भाषण के दौरान आक्रामक मुद्रा अपनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में आज नक्सलवाद, आतंकवाद, अराजकता और भ्रष्टाचार है। ये सभी कांग्रेस पार्टी की नाजायज उपज है, जिससे बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है। भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी राहुल गांधी पर विश्वास नहीं करते और यही वजह है कि सभी लोग राहुल गांधी को प्रचार करने के लिए अपने क्षेत्र में नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल के प्रचार करने से उनकी हार हो जाएगी। योगी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 17 चुनाव हार गई है, इसलिए उन्हें अब संन्यास लेकर नानी के घर इटली जाना चाहिए और उनकी सेवा करें। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।